हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है कमेंट इन सी लैंग्वेज। कमेंट इन सी लैंग्वेज। तो देखिए, हमारे पास कितने टाइप की कमेंट होती हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। तो ये दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, कमेंट होती हैं। तो ये किस चीज के यूज में आती हैं? कमेंट आर यूज फॉर बेटर रीडेबिलिटी। ठीक है, कमेंट किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? ज्यादा अच्छी रीडेबिलिटी के लिए, या ज्यादा अच्छी, जैसे हमारे पास क्या एक प्रोग्राम लिखा हमने void main, तो मुझे क्या करना है, void क्या है, main क्या है, तो इसके बारे में मुझे क्या देना है, एक डिस्क्रिप्शन सा देना है, या इसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया देना है। तो मैं इस void के लिए क्या लगा दूंगा, एक comment। तो मैं void के लिए क्या लगा दूंगा, एक comment लगा दूंगा, जो कि आपका जो compiler होगा वो क्या करेगा, उस comment को ignore करेगा। किस time? Compile time। Compile time कंपाइलर आपका क्या करेगा, कमेंट को इग्नोर करेगा। ठीक है, जैसे हम एक फंक्शन यूज आज तक करते हुए आए हैं, अभी तक एक आध हमने प्रोग्राम देखे, तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंटएफ। तो प्रिंटएफ का काम क्या है, ठीक है, प्रिंटएफ का काम क्या है, हम क्या करेंगे, एक कमेंट का यूज करेंगे इसमें से, कोई सी भी सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमारा डिस्क्रिप्शन कितना बड़ा है। ठीक है, उस टाइम हम क्या लगाएंगे, कमेंट। तो कमेंट हमारे पास कितने टाइप की, दो टाइप की, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। जो सिंगल लाइन कमेंट है किससे स्टार्ट होती है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। सिंगल लाइन कमेंट डबल फॉरवर्ड स्लैश, इस टाइप से आपकी क्या होगी, कमेंट स्टार्ट। और इसको आप कहीं पर भी आप क्या कर सकते, यूज कर सकते हो अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, मगर एक चीज है, जैसे कि हमारे पास क्या, हमने एक लाइन लिखी प्रिंटएफ, हमने लिखा प्रिंटएफ हेलो डबल कोट्स ब्रैकेट वन, इसके हमने लगा दिया क्या, कमेंट। इसके हमने कुछ लिख दिया, यहां हमने कमेंट दे दी, यहां पर हमने कुछ लिख दिया। ठीक है, मगर आपके पास क्या है कि अगर आप इसको भी कमेंट बना देंगे ना, तो मतलब ये आप जो प्रिंट करना चाहते थे, जो डिस्प्ले पे आउटपुट देखना चाहते थे, वो आपको डिस्प्ले पे आउटपुट नहीं आएगा। मगर कहने का मतलब ये है कि आप जब डबल ये आप फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे, आप क्या यूज कर रहे हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश, इसके बाद आप चाहे कुछ भी लिखें आप, वो सब क्या हो जाएगा, कंपाइलर उस चीज को क्या करेगा, इग्नोर करेगा, उस चीज को कंपाइल नहीं करेगा कंपाइलर। ठीक है, और इसके बाद आप कोई सा भी आप सिंबल यूज कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। वो सब किसका पार्ट है, एक कमेंट का पार्ट है, जैसे एट द रेट, प्रिंट एफ, ठीक है, void, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, मगर ये सब क्या है, एक कमेंट का पार्ट है पूरा का पूरा। तो सिंगल लाइन कमेंट हमारे पास ये इस टाइप से हमारे पास यूज होती है, कहीं पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कमेंट, कौन सी, सिंगल लाइन कमेंट, कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, सिंगल लाइन कमेंट्स आर स्टार्ट विद डबल फॉरवर्ड स्लैश, एनी सिंबल रिटन आफ्टर सिंगल लाइन कमेंट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। सेम एज इसी तरीके से हमारे पास कई मल्टी लाइन कमेंट है, किसकी तरह से, जैसे हमारे पास क्या आती है अभी सिंगल लाइन कमेंट, तो ये हमारे पास क्या एक मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट आप कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपका पर्टिकुलर एक प्लेस हो, नहीं, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। बट जो मल्टी लाइन कमेंट है किससे स्टार्ट होती है, आपका एक फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद एक स्टार का साइन। ठीक है, अगर ये क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, आप क्या कर रहे हैं इसे, आप क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए क्या है, पहले आप लगाएंगे स्टार, फिर उसके बाद एक बैक स्लैश, इसके बीच में आपको जो लिखना है, जितनी लाइन लिखनी आप लिख सकते हो। ठीक है, जितनी लाइन लिखनी आप लिख सकते हो, किस टाइप से मैं दिखा देता हूं, जैसे मेरे पास क्या है, ये लाइंस है 1 2 3 स्टार्टिंग पॉइंट,
देन ये मेरा क्या है एंडिंग पॉइंट। कमेंट कहां से स्टार्ट हुई, ये कौन सी कमेंट है, इसको देख के आप पहचान सकते हो ये कौन सी कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट और एंड। अगर इसकी जगह आप यूज करते हो क्या सिंगल लाइन कमेंट, तो सिंगल लाइन कमेंट कहां यूज होती है, खाली एक ही लाइन में, ना कि इस तरीके से। सिंगल लाइन कमेंट कभी भी मल्टी लाइन की तरह यूज नहीं होगी, मगर सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन में आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। यहाँ पे आप जो भी लिखना है आपको सीधा लिख दीजिए, जैसे सी एल आर हमने यहाँ पे लिख दिया क्लियर स्क्रीन। तो ये हमारे पास किसका एक पार्ट है, ये हमारा जो पार्ट है वो हमारा सिंगल लाइन कमेंट का। तो इसका हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे कि हाउ टू यूज सिंगल एंड मल्टी लाइन कमेंट। इसका हम क्या देखेंगे, अभी प्रैक्टिकल देखेंगे कि हाउ टू यूज हाउ टू यूज कमेंट, हम कैसे कमेंट का यूज करें, हाउ टू यूज कमेंट। कौन कौन सी कमेंट है, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट। चलिए फिर हम क्या करते हैं, अपना ओपन करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्बो सी प्लस प्लस ओपन हो चुका है। फाइल वाले ऑप्शन पर न्यू पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां हमें क्या करना है, प्रोग्राम टाइप करना है। studio.h conio.h void main उसके बाद सीधा प्रिंट टैब और फिर गेट सी एच। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर मुझे क्या यूज करना है, सिंगल लाइन कमेंट। तो मैंने यहां पर सिंगल लाइन कमेंट कैसे स्टार्ट होती है आप जल्दी दोबारा से देखिए, फॉरवर्ड स्लैश, एक और बार फॉरवर्ड स्लैश, या कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं ओनली फॉर स्लैश। तो ये क्या हमारी सिंगल लाइन कमेंट, आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं यहां यूज कर लेता हूं ऊपर, हाउ टू यूज कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। कई बार आप यूज करिए इसे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके लिए पर्टिकुलर कोई प्लेस हो। अगर मुझे क्या यूज करनी है इसकी जगह, मल्टी लाइन कमेंट। स्टार्टिंग के लिए कैसे स्टार्ट होता है, फॉरवर्ड स्लैश स्टार का साइन, बंद करने के लिए स्टार का साइन पहले फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश। ये हमारी क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स या फिर कमेंट। ठीक है, हमारी मल्टी लाइन कमेंट। स्टार्टिंग का पार्ट क्या है, स्टार्ट और एंडिंग के लिए, इसका मतलब क्लोज करने के लिए। ठीक है, अब चलिए इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। हमने किया इसे कंपाइल, हमारे पास क्या एक एरर, तो एरर में दे रखा है कोन्यू डॉट एच, इसके आगे क्या नहीं था हमारे पास, ओपन एंड क्लोज का साइन,
कौन सा लेस देन और ग्रेटर देन का। अभी हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, सक्सेसफुल रन। इसके बाद क्या हो गया, कंपाइल हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, रन। तो हमारे डिस्प्ले पे आउटपुट में क्या आ रहा है, हेलो। बाकी सारी चीजें क्या आती है हमारी, कमेंट। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये कंपाइलर ने ये जितनी भी कमेंट्स थी, हमने जिन जिन कमेंट्स का यहाँ पर यूज किया था, उन कमेंट्स को कंपाइलर ने क्या कर दिया, इग्नोर। इग्नोर करने के बाद उसने कंपाइलर ने क्या किया, खाली इस हेलो को हमारे डिस्प्ले पे शो करा दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या नहीं था, एक कमेंट नहीं था। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर या सी किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप कमेंट का आप यूज कर सकते हैं, चाहे सिंगल लाइन कमेंट आप यूज कीजिए, चाहे आप मल्टी लाइन कमेंट यूज कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।